कक्षा नाइन का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? उपयुक्त सार्वसीमिकाओं का प्रयोग, उपयुक्त सार्वसीमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में कि उपयुक्त सार्वसीमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? जो सार्वसीमिका है उसका प्रयोग करना है आपको, और निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो कैसे याद करेंगे इसको, छोटी ट्रिक में बताऊंगा मैं आपको, और बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ये सभी कार्ड को ऊपर उतार देता हूं मैं। ये समीकरण मैंने क्या करा? ऊपर उतार दी ये समीकरण को। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। क्या करूंगा? सोल्व करूंगा इसको। सोल्व कैसे करूंगा? सर्वसमीका सर्वसमीका का प्रयोग, सर्वसमीका का प्रयोग, कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करूंगा? इस सर्वसमीका का प्रयोग करूंगा मैं। देखो इधर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अभी सार्वसीमिकाओं का प्रयोग करूंगा तो इसको कैसे करेंगे? देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ए और बी को, इन दोनों को ऐसे करके लिख देंगे अपन। कैसे लिखेंगे? कोष्ठक में ए ए प्लस बी और ये एक्स उतार देंगे, एक नीचे एक्स उतार दिया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी। इसका मतलब होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। अब इसको ऐसा करके लिखो या तो या ऐसा वैसा, इससे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है बी। किसका? गुणा का चिन्ह होता है बी। किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है। अब कुछ भी नहीं करना, अपन को मान रखना है और समीकरण के हल करना है। अब समीकरण की मान करना है, कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर है, अब एक्स की जगह तो अपने पास कुछ भी नहीं है, संख्या है ही नहीं, तो एक्स का एक्स उतार देंगे अपन। क्या लगा देंगे? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फिर अपन तो ए किसको मानते हैं? ए इसको मान लेते हैं, और बी किसको मानते हैं? बी इसको मान लेते हैं। तो ए कितना है अपना? चार है। ए कितना है अपना? चार है। कितना है? ए फोर है अपना। क्या है? ए फोर है। तो ए की जगह क्या लिख दो? फोर लिख दो। और बी की जगह, बी कितना है अपना? टेन है, मतलब दस है। और यहाँ एक्स कुछ भी नहीं है संख्या, तो एक्स का एक्स लिख दो। अब इसको प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दो, ए इंटू बी। तो ए इंटू कितना है अपना? ए कितना है? चार। और बी कितना है? दस। तो इनको ऐसे करके लिख दो इसको। समझ में आ रहा होगा सबको? देखो इधर अब इसको सोल्व करेंगे, मैंने इसको मिटा देता हूँ, मेरी जगह नहीं है नीचे इसलिए इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इधर इसको भी मिटा देता हूँ, इसका भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, इसकी अब इसकी जरूरत हो है मेरे को। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब ये इस छोटे, पहले इसको सोल्व करते हैं अपन छोटे कोष्टक को। हमेशा कोष्टक की संख्या को पहले सोल्व करना होता है अपन को। दस और चार कितना हो गया? चौदह हो गया। चौदह इंटू एक्स, मतलब ये कोष्टक की संख्या को सोल्व करा, कितना गया? चौदह हो गया इंटू एक्स। तो क्या आ जाएगा? चौदह एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? चौदह एक्स आ जाएगा। ये क्या लिख दिया मैंने? प्लस करके चौदह एक्स लिख दिया। और ये दस इंटू चार कितना हो जाएगा? चालीस हो जाएगा। ये कितना हो गया? चालीस हो गया। ये देखो
मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, सोल हो गया।